हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज यादव सर। आज फिर वोकैब का सेशन 5 लेकर आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा। तो अभी तक वोकैब में आपको मैंने बताया है एडियम्स के बारे में, आपको वोकैब के बारे में अभी तक मैंने दिया है अपना क्लास। अब मैं कुछ वर्ड मीनिंग की चर्चा कर दूँ, चूँकि एडियम्स बहुत सारे बता दिया मैंने और स्टूडेंट्स लोग का डिमांड है कि कुछ वर्ड मीनिंग पे फोकस किया जाए। तो वोकैब में आज मैं आपको वर्ड मीनिंग पे चर्चा करूंगा, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग में देखिए, वर्ड मीनिंग में हम रूट वर्ड लेके चलते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड मिलकर बने होते हैं और उसमें लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। और ये कन्फ्यूजन कैसे दूर हो, तो उसके लिए हम रूट वर्ड लेके ही चलते हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को मैं सारे वर्ड को तोड़ के बताऊंगा। तो रूट वर्ड में आज लेते हैं हम पैन, PAN, पैन। जनरली देखा जाए तो पैन का हिंदी अर्थ क्या होता है, पैन जो होता है, पैन बराबर होता है ऑल, ठीक है, पैन बराबर ऑल, ठीक। तो इसी से एक बना है वर्ड पैन इंडिया, पैन इंडिया। तो पैन इंडिया क्या है, यदि आपके पास पैन इंडिया परमिट है तो कह सकते हैं कि आपके पास ऑल इंडिया परमिट है, ठीक है। यानी पैन इंडिया इक्वल टू होता है ऑल इंडिया, ठीक है। तो पैन का मतलब होता है ऑल, और पैन इंडिया यदि वर्ड कहीं आपको मिले इसका मतलब होता है ऑल इंडिया, क्योंकि ये सब वर्ड आपको एडिटोरियम में दिया रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, न्यूज़पेपर में ये सब वर्ड का यूज़ ज़्यादा होता है। उसके बाद जो भी एडिटोरियम्स होते हैं न्यूज़पेपर के, उसका यूज़ SSC में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पैन इंडिया जो है इसका मतलब होता है ऑल इंडिया। चलिए, पहला वर्ड आपका पैन इंडिया हो गया, रूट वर्ड हमारा पैन था। अब चलते हैं दूसरा में, पैन क्रोमैटिक, ठीक है। दूसरा वर्ड हमारा है पैन क्रोमैटिक। तो पैन क्रोमैटिक क्या होता है समझना है, ये दो वर्ड से बना है। सबसे पहला वर्ड हमारा है पैन और दूसरा वर्ड हमारा है क्रोमैटिक, ठीक है। तो पैन का मतलब आपको पहले ही हमने बताया कि होता है ऑल, और क्रोमैटिक, क्रोमैटिक, क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर्स, कलर, ठीक है। तो पैन का मतलब होता है ऑल और क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर, ठीक है। क्रोमैटिक मीन्स कलर, यानी जो सभी कलर्स के प्रति सेंसिटिव हो वैसे लोग। जैसे हमारी आंखें, देखिए हमारी आंखें क्या है, किसी भी कलर को देखकर पहचान सकता है। तो हमारी आंखें जो हैं वो हर कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, सेंसिटिव टू ऑल द कलर्स, सेंसिटिव टू All the colors is called panchromatic. Pan means होता है all, chromatic शब्द का means होता है color. It means sensitive to all the colors is called panchromatic. यानी pan से आपको pan root word था, उससे मैंने आपको वो दो word दिया, पहला pan India equal to all India, दूसरा panchromatic equal to sensitive to all colors. मतलब ऑल कलर्स, पैन मींस ऑल, क्रोमैटिक मींस कलर, मतलब टोटल ऑल कलर्स होता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है नेक्स्ट पैंडामोनियम, पैंडामोनियम, PANDEMONIUM,
पैंडेमोनियम। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इस पैंडेमोनियम वर्ड में देखिए एक वर्ड आया है डैम, ठीक है। तो डैम का मतलब क्या होता है, डैमन का मतलब क्या होता है, राक्षस, है ना। इसमें एक वर्ड आया है डैमन, डैमन मीन्स होता है राक्षस। उसके बाद पहला वर्ड इसमें दिया था पैन, पैन मतलब होता है ऑल, ठीक है। तो यहां पर देखना क्या है कि पैंडेमोनियम जो है क्या, कि पैंडेमोनियम में डैमन, डैमन शब्द जो आया इसका मतलब राक्षस होता है, और पैन मीन्स ऑल होता है, मतलब पूरे संसार में यदि राक्षस भर जाए तो उस स्थिति में बताइए कि क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी। राक्षस हो जाए मतलब क्या, राक्षस मतलब कि क्रूर लोग हो जाए, ठीक है, जो किसी भी व्यक्ति के प्रति सेंसिबल ना हो वैसे लोग हो जाए, तो वहां पर क्या होगा कि अराजकता की स्थिति होगी, और अराजकता की स्थिति होगी तो वहां पर क्या होगा, शोरगुल होगा, कोलाहल होगा, हो हल्ला होगा। तो पैंडेमोनियम का मतलब होता है क्या कि नॉइजी या फिर डिसऑर्डर, नॉइजी डिसऑर्डर, ठीक है, हो हल्ला, हंगामा, इसी को कहा जाता है पैंडेमोनियम। तो पैंडेमोनियम मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा हमेशा, पैंडेमोनियम में डेमन शब्द आया है, डेमन का मतलब राक्षस होता है, पैन का मतलब ऑल होता है, और दोनों मिलाकर बन गया पैंडेमोनियम, यानी या राक्षस जो है पूरे ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में फैल जाए तो उस स्थिति में पूरा शोरगुल की स्थिति, अराजकता की स्थिति होगी, और उस स्थिति को हम कहते हैं क्या, नॉइजी डिसऑर्डर, या फिर उसी को कहा जाता है पैंडेमोनियम। देखो पैंडेमोनियम का इसका एंटो बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम्स में, कई बार पूछा गया है। तो पैंडेमोनियम का एंटो देखा जाए तो इसका होता है क्या, सेरेनिटी, ठीक है, एंटो। सेरेनिटी के बाद देखा जाए तो प्लेसिडिटी के बाद देखा जाए तो ट्रैंक्विलिटी। तो ये सारे जो हैं ये इसके एंटो हुए। तो सेरेनिटी, प्लेसिडिटी, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसे कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये फिलर्स में भी आते हैं। तो ट्रैंक्विलिटी का यूज जानते हो कहाँ होता है, ये होता है जानवरों में, जानवरों को ट्रैंक्विल किया जाता है, मतलब क्या, उसमें कुछ ऐसा दवा उनको पिला के दिया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से कि जिसके कारण से वे बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद उस जानवर को काबू किया जाता है, ठीक है। तो ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत करना, ऐसे दवा देकर शांत करना, मतलब बेहोश करना, ठीक है। तो ये सारे तीनों जो हुए पैंडेमोनियम एंटो हुए, सेरेनिटी, प्लेसिडिटी, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, ये उतार दीजिए, उसके बाद बताते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब पैंडेमोनियम का जो यदि हम साइनों की बात करें तो इसका बहुत ही एक अच्छा वर्ड होता है कैकोफोनस, कैकोफोन बोलते हैं। तो इसमें भी देखिए दो वर्ड हुए, ये हमारा साइनो है, इसमें भी दो वर्ड हैं। सबसे पहला है कैको, कैको मतलब होता है बैग, ठीक है, फोन मतलब होता है साउंड, जिसका साउंड बहुत ही बैड हो, खराब हो, अच्छा नहीं हो, उसे कहते हैं कैकोफोनस, यानी इसको कह सकते हैं हम क्या, शोरगुल, है ना। उसी प्रकार से पैंडेमोनियम भी वही होगा, हो हल्ला, शोरगुल, ठीक है। तो कैकोफोन जो है इसका साइनो है, और सेरेनिटी, प्लेसिडिटी, ट्रैंक्विलिटी इसका क्या है, एंटो है, ठीक है, उतार लीजिएगा स्टूडेंट्स। Thank you.
चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में आपका है पेनासिया, कई बार आप लोगों ने सुना होगा पेनासिया, ठीक है। पेनासिया क्या होता है? पेनासिया पैन, पैन मतलब तो आपको बताया ही है क्या होता है, ऑल और ACE एकॉस्टिक से बना ये वर्ड। एकॉस्टिक का मतलब होता है रीमेडी, रीमेडी जिसको हिंदी में कहते हैं निदान, ठीक है। और इसका OWS में इस वर्ड को ज्यादा दिया जाता है, और OWS में इसका कैसे आता जो देखिएगा, इसका आता है या रीमेडी फॉर ऑल डिजीज, और रिमेडी फॉर ऑल डिजीज यानी इसका आंसर होगा हमारा क्या, पेनासिया। तो देखो पेनासिया तो OWS में इस प्रकार से पूछेगा रिमेडी फॉर ऑल डिजीज, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका यूज साइनो में करता है, तो साइनो में वहां पर इसका आंसर होगा, साइनो इसका होगा ज्यादातर रहता है 99.9% ऐसा उम्मीद रखिए क्या होगा कि क्यूर ऑल, ठीक है। तो जब भी सिनोनिम्स में पूछा जाए पेनासिया का सिनोनिम्स क्या होता है तो क्यूर ऑल, और यदि उसको OWS में दिया जाए अ रिमेडी फॉर ऑल डिजीज तो वहां आंसर देना है हमको क्या, पेनासिया, ठीक है। उतार लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं पैंथीज्म और पैंथियोन, ये दो वर्ड। पहला है पैंथीज्म और दूसरा है पैंथियोन। तो पैंथिज्म क्या होता है और पैंथियोन क्या होता है ये समझना है आपको। जब भी देखिए आपको थियो वर्ड आए, THEO, तो थियो वर्ड आए तो आपको ध्यान देना है क्या कि इसका दो अर्थ होता है, या तो वह रिलेट करेगा किसी रिलीजन को, या तो वह रिलेट करेगा गॉड को, या इन्हीं दोनों से संबंधित होता है हमेशा थियो वर्ड। थियो वर्ड जो है वो हमेशा दो ही चीज से रिलेट होता है, या तो रिलीजन से और या तो गॉड से, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए पैंथियो पैंथिज्म क्या होता है और पैंथियोन क्या होता है। तो पैंथिज्म देखिए क्या चीज से बना है, PAN पैन, पैन फॉर होता है ऑल, और थियो का मतलब होता है अभी बताए हम क्या, रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो सभी धर्मों पर विश्वास करे, ठीक है, सभी धर्म पर भरोसा करे, बिलीव इन ऑल रिलीजन्स, इसको कह सकते हैं क्या, अ पर्सन हु बिलीव्स इन ऑल रिलीजन्स उसे कहते हैं हम क्या, पैंथिज्म, इसी को कहा जाता है पैंथिज्म, ठीक है। अब आते हैं हम पैंथियोन, पैंथियोन जो है ये वर्ड जो है ये गॉड से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसका देखिए पैंथियोन का दो अर्थ ऐसे हो जाता है, ठीक है। देखते होंगे आप कि एक मंदिर है उसमें बहुत सारे भगवान का मूर्ति दिया हुआ है, तो वैसा मंदिर जिसमें बहुत सारे भगवान मौजूद हो उसे भी पैंथियोन कहा जाता है, यानी कह सकते हैं अ टेम्पल फॉर ऑल गॉड्स इज कॉल्ड पैंथियोन, ठीक है। अ टेम्पल फॉर ऑल गॉड्स इज कॉल्ड पैंथियोन, ठीक है। दूसरा इसमें देखना क्या, पहला देखिए अ टेम्पल फॉर ऑल गॉड्स, एक ऐसा मंदिर जिसमें सभी भगवानों की मूर्ति हो,
उसे कहा जाता है पैंथियन। और दूसरा देखते होंगे कि कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन समझते होंगे कि कॉन्ग्रीगेशन होता है भक्त मंडली, ठीक है। जब किसी प्रकार का धार्मिक स्थल होता है वहां पर लोग धार्मिक दृष्टिकोण से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, संगोष्ठी करते हैं, वहां आते हैं, तो उस सभा को कहा जाता है कॉन्ग्रीगेशन। क्या कहा जाता है? कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। और कॉन्ग्रीगेशन में क्या होता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग वहां मौजूद होते हैं, यानी बहुत सारे वहां पर महत्वपूर्ण लोग मौजूद होते हैं, यानी अ ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट पीपल को भी कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट पीपल इज कॉल्ड पैंथियन, ठीक है। यानी कि पैंथिज्म का हम क्या मतलब बताए कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन ऑल रिलीजन्स, दूसरा पैंथियन का लिखा है अ टेम्पल फॉर ऑल गॉड्स, या इसका एक और अर्थ होता है ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट पीपल। इंपॉर्टेंट की जगह पर कभी कभी यहां पावरफुल भी दे सकते हैं, पावरफुल, अ ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट पीपल या ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल इज कॉल्ड पैंथियन, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा पहले। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड आते हैं पेनार्ची, ठीक है। पेंटिसोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड होता है। पहला देखते हैं पेनार्ची, ठीक है। पी ए एन ए आर सी वाई, पेनार्की। पेनार्की क्या होता है? देखो पेनार्की में क्या होता है, ये दो वर्ड से बना है। पहला है पैन, पैन फॉर ऑल, दूसरा है ए आर्की, आर्की फॉर होता है रूल, ठीक है। यानी ऑल रूल्स, ऑल रूल्स का मतलब क्या कि यहां पर होता है यूनिवर्सल रूल, यूनिवर्सल रूल। यूनिवर्सल रूल मतलब क्या? एक ऐसा रूल जो हर जगह फॉलो हो, हर जगह वह मौजूद हो, ठीक है, उसे कहते हैं पेनार्की, ठीक है, यूनिवर्सल रूल। इसी से एक वर्ड आया था, देखिए पैंटिसो क्रैसी, पैंटिसो क्रैसी, ठीक है। पैंटिसो क्रैसी मतलब क्या होता है? पैन, पैन फॉर होता है ऑल, ठीक है। उसके बाद यहां पर दिया है पैंटिसो क्रैसी, यहां पर दिया हुआ है क्रैसी, ठीक है, पैन फॉर ऑल और क्रैसी, सी आर ए सी वाई, क्रैसी, ठीक है। तो ये क्रैसी जो होता है ये आर्ची का ही दूसरा रूप होता है, ठीक है, यानी ये भी रूल का ही भाव देता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या करते हैं कि एक ऐसा जगह जहां पर सभी लोग शासन कर सके, ठीक है, अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर ऑल या एनी वन कैन रूल, एक ऐसा स्थान जहां पर सभी लोग या कोई एक व्यक्ति शासन कर सकता है, उसे हम कहते हैं क्या? पेनार्की, ठीक है, पेंटिसोक्रेसी, सॉरी वो छोटा हुआ है, पेंटिसो क्रेसी उसको हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी से बना है मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी। तो मेरिटोक्रेसी क्या होता है? मेरिटोक्रेसी क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे, जिसके पास मेरिट है वही शासन कर सकता है, उसे कहते हैं मेरिटोक्रेसी। जैसे पैंटिसोक्रेसी मतलब क्या? जहां पर सभी लोग शासन कर सकते हैं, जिसके पास ताकत है, जिसके पास बहुमत है वो शासन कर सकता है,
अब मेरिटोक्रेसी क्या है ना कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास मेरिट हो वही आदमी केवल शासन कर सकता है, उसे कहते हैं हम क्या, मेरिटोक्रेसी, है ना। तो मेरिटोक्रेसी जो है यहाँ पर क्या होता है कि जिसके पास मेरिट है वही शासन कर सकता है, और पेंडिसोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति वहां पर जिसके पास ताकत है, जिसके पास बहुमत है, वो शासन कर सकता है। तो यहां पर हो जाएगा कि अ पर्सन हु हैज मेरिट, अ पर्सन हु हैज मेरिट कैन रूल, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास मेरिट है वह शासन कर सकता है, ये कहलाता है क्या, मेरिटोक्रेसी। ठीक है स्टूडेंट्स, उतार लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट, आगे आते हैं। अगला आपको मैं तीन वर्ड दूंगा, वो तीनों वर्ड एक दूसरे से रिलेट होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन वाला वर्ड होगा, इसलिए थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। क्या है तीन वर्ड में आपको हम देते हैं, पैंडेमिक, दूसरा में देते हैं एंडेमिक, और तीसरा में देते हैं एपिडेमिक। पैंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक, ये देखना है क्या है। पैन फॉर होता है क्या, इसमें देखा जाए तो पैन फॉर होता है ऑल, फिर इसमें देखा जाए ये इंडो से बना है, इंडो मतलब होता है अंदर का, और ये एपिडेमिक से बना है जो ईपी से बना है, ईपी का मतलब होता है क्या, बाहर। ठीक है, और इन सारे शब्दों में देखो कि डी ए एम ये बना हुआ है, तो यहां पर देखते हैं क्या, डेमो, डेमो से बना है, तो डेमो का मतलब क्या होता है, पीपल। ठीक है, डेमो का मतलब पीपल। अब यहां पर देखना है कि तीनों में अंतर क्या है, ये तीनों वर्ड जो है, इन तीनों वर्ड का यूज जो है बीमारियों के लिए किया जाता है, डिजीज के लिए किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट, इन तीनों वर्ड का यूज डिजीज के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट, इन तीनों वर्ड में डेमो का यूज किया गया है जिसका हिंदी अर्थ होता है पीपल, लोग। दूसरा क्या बोले, तीनों वर्ड में पीपल का यूज किया गया है जिसका हिंदी अर्थ होता है डेमो। ठीक है, तो यहां देखना है क्या, पैंडेमिक मतलब क्या होता है, तो एक ऐसी बीमारी जो पैन मतलब क्या ऑल, डेमिक मतलब पीपल। ठीक है, एक ऐसी बीमारी जो सभी लोगों में फैल जाए, कोई पार्टिकुलर माध्यम उसके लिए नहीं हो, वो किसी भी तरह से फैल जाए। ठीक है, वो पार्टिकुलर माध्यम ही केवल नहीं होता है, वो बहुत तरीकों से फैल जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अभी सुना होगा क्या कि कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट में, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में तो नहीं फैला हुआ है, लेकिन ये किसी माध्यम से फैलता, किसी से हम टच में आए तो, उसके छुए हुए वस्तु को हम टच करें तो वो हमारा कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है वैसे में। तो यहाँ पर क्या है, पैंडेमिक मतलब होता है एक ऐसा डिजीज जो सभी लोगों को हो सकता है, वो किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी लोगों को हो सकता है, यानी कह सकते हैं डिजीज दैट इनफैक्ट पैंडेमिक का, डिजीज दैट इनफैक्ट ऑल पीपल, एक ऐसी बीमारी जो किसी भी व्यक्ति को हो सकती है।
ठीक है, उसी में एक पॉइंट और जोड़ देते हैं, और कैन स्प्रेड, और कैन स्प्रेड इन ऑल रिलीजन। ये बीमारी जो है किसी धर्म जाति व्यक्ति को नहीं देखता है, किसी को भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा वर्ड आते हैं हम इंडेमिक, तो क्या होता है इंडेमिक ये भी समझना है आप लोग को। इंडेमिक होता है जो भीतरी बीमारी होती है किसी के शरीर में। भीतरी बीमारी मतलब क्या, कि मान लिया जाए लोग ऐसा कहते हैं कि किसी बच्चे को यदि हार्निया हुआ है तो वो एक वंशानुगत चलती हुई बीमारी है ना। जैसे मान लिया जाए एड्स को लेते हैं, तो एड्स क्या है, ये भी वैसी बीमारी है, किसी एक व्यक्ति को है फिर दूसरों को भी हो सकता है, उसके बच्चे को हो सकता है, तो वो शरीर के अंदर की बीमारी है, उस बीमारी को कहते हैं इंड। इंड मतलब क्या होता है, इंडो से बना है, इंडो मतलब अंदर और डेमो मतलब व्यक्ति, है ना। डेमिक और लास्ट में आई एसी लगा है तो बीमारी से रिलेटेड वर्ड है ये, यानी कह सकते हैं इन्फेक्टिंग पीपल ऑफ वन ट्राइब। मतलब क्या कि मान लिया जाए किसी व्यक्ति को वह बीमारी है और उसी वो अपने ही समाज में किसी दूसरे से शादी करते हैं, उनके बच्चे हुए तो उसमें वो बीमारी आ सकता है ना, तो दूसरे ट्राइब में वो नहीं रहेंगे, है ना। कोई ऐसे व्यक्ति जो अपने समुदाय में ही शादी ब्याह करते हैं तो उन्हीं के ट्राइब तक ही वो सीमित रह जाता है, दूसरे ट्राइब में वो नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए यूज होता है वर्ड क्या है इंडेमिक। तो देखते हैं इन्फेक्टिंग पीपल ऑफ ऑल ट्राइब, इन्फेक्टिंग पीपल ऑफ वन ट्राइब, ये हमारा हो गया क्या इंडेमिक, ठीक है। अब एपिडेमिक आते हैं। एपिडेमिक क्या होता है, ये एक प्रकार का महामारी होता है। महामारी मतलब क्या कि एक प्रकार का या पूरा विश्व में पूरे हर तरीके से फैल सकता है, टच में आएंगे तो हवा में आ सकता है, हमारे वस्तु में आ सकता है, किसी भी चीज में आ सकता है वो, यानी इसको कह सकते हैं वाइड स्प्रेड डिजीज, है ना। इसको कह सकते हैं हम क्या, वाइड स्प्रेड डिजीज। तो आपको मैंने यहां तीन वर्ड दिया, सबसे पहला वर्ड दिया पैंडेमिक, इंडेमिक, एपिडेमिक। पैन मतलब ऑल, इंडो मतलब अंदर का, और इपी मतलब बाहर का। तो तीनों में देखिएगा यहां पर क्या है कि तीनों वर्ड में डैम मौजूद है, जिसका हिंदी अर्थ होता है पीपल। यानी पैंडेमिक मतलब क्या होता है, एक ऐसा बीमारी जो ऑल पीपल को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको इन्फेक्ट करे, तो उसे कहते हैं पैंडेमिक। इंडेमिक मतलब होता है क्या, ये एक वंशानुगत हेरिडिटरी बीमारी होती है, डिजीज होता है, जो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को होता है और वह उसी के ट्राइब में हो सकता है, चूंकि वह उसी ट्राइब तक ही वे सीमित है, शरीर के अंदर की बीमारी। उसके बाद एपिडेमिक है, एपिडेमिक जो होता है बहुत ही ज्यादा घातक होता है, फैटल होता है, और एपिडेमिक का मतलब होता है क्या कि महामारी जिसको बोलते हैं, जो व्यापक रूप से सभी जगह फैला होता है, वो किसी माध्यम से फैल सकता है, जिसको कह सकते हैं वाइड स्प्रेड डिजीज। इट्स ओके, उतार लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आपका दो वर्ड है एक जैसा, एक होता है एमनेसिया और दूसरा होता है पैनमेसिया। क्योंकि पैन से आप बता रहे हैं तो पहले आपको मैं पैन ही बताऊंगा, क्योंकि वहां पर यहाँ पैन हमारा रूट वर्ड है, है ना, पैन रूट वर्ड हमारा है। तो देखिए पहला है पैनमेसिया, पी ए एन एम PANMNESIA, पैनमेसिया, और दूसरा होता है एमनेसिया, देखिए तो पैनमेसिया के पहले मैं आपको एमनेसिया बताना चाहूंगा, क्योंकि इसी से वर्ड ये इससे ज्यादा ही अच्छा से क्लियर हो सकता है, पहले इसका क्लियर हो जाए तो। एमनेसिया क्या होता है, ठीक है,
एमनेसिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त खो जाना, है ना। तो जैसे ए एम एन, एम एम मतलब होता है फॉरगेट, ठीक है, और नेसिया, नेसिया का मतलब होता है मेमोरी, ठीक है, एम मतलब फॉरगेट और नेसिया मतलब मेमोरी, एमनेसिया यानी मेमोरी को फॉरगेट हो जाना, फॉरगेट मतलब भूल जाना। देखे होंगे आप लोग फिल्म गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, दैट इज कॉल्ड एमनेसिया, ठीक है, यानी कि याददाश्त खो जाने की बीमारी कहलाता है एमनेसिया, ठीक है। एम मतलब फॉरगेट और नेसिया मतलब मेमोरी। अब चलते हैं पैमनेसिया, पैमनेसिया मतलब क्या होता है यहां पर समझना है, पहले इसको उतारिए। चलिए पैनमेसिया में आते हैं। पैनमेसिया क्या होता है? पैनमेसिया जो होता है वो एक प्रकार का भूलने का ही बीमारी होता है, लेकिन उसके अंतर्गत क्या होता है कि सारा चीज किसी व्यक्ति को याद रहता है, बस उसको थोड़ा सा याद दिलाने की जरूरत है, उसी को कहा जाता है पैनमेसिया। मतलब क्या, एमनेसिया होता है कंप्लीट रूप से किसी चीज को भूल जाना, है ना। और एमनेसिया में ही एक वर्ड आया था पार्शियल एमनेसिया। पार्शियल एमनेसिया क्या होता है कि पास्ट की सारी बातों को भूलना, है ना। और पैनमेसिया क्या होता है ना कि इसमें सारे चीज दिमाग में रहते हैं लेकिन थोड़े समय के लिए भूल जाता है, और उस समय यदि कोई याद दिलाता है तो तुरंत वो याद आ जाता है। क्योंकि नाम से यह स्पष्ट हो रहा है क्या कि पैन, पैन मतलब क्या होता है ऑल, पैन मीन्स होता है ऑल, और नेसिया, नेसिया, नेसिया मतलब क्या होता है मेमोरी, यानी कि जिसमें सारी मेमोरी, सारी याददाश्त रहे, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो माइंड है वो कंप्यूटर नहीं है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत सारी जानकारी है लेकिन ध्यान से हटा हुआ रहता है, बस थोड़ा सा उनको याद दिलाते हैं उनको याद आ जाता है, तो उसी को दैट इज कॉल्ड क्या कहते हैं पैनमेसिया। इसको कहते हैं क्या, ये पूछता है खासकर OWS में, इसको बोला जाता है क्या अ थ्योरी दैट द बिलीव्स, अ थ्योरी द बिलीव्स दैट आवर ब्रेन रिमेंबर्स ऑल, ठीक है। एक ऐसा सिद्धांत जिसके अंतर्गत हमारे ब्रेन में सारी चीजें याद रहती हैं, उसे कहा जाता है पैनमेसिया, बस उसमें थोड़ी सी याद दिलाने की जरूरत है। तो इस प्रकार से आज मैं अपना वोकैब का क्लास बंद करता हूँ, क्लोज करता हूँ। अगले क्लास में फिर एक रूट वर्ड के साथ मैं आप लोग के सामने आऊंगा और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ अपने क्लास को मैं ऑफ करता हूँ। थैंक यू।